प्रकार से युवा कांग्रेस की आवाज को दबाने का काम भाजपा का राज कर रहा है, लेकिन युवा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी जी की आवाज के साथ खड़ा है और लगातार लगातार सड़क पर हम संघर्ष करते रहेंगे तब तक ये माफी नहीं मांग लेते भाजपा का नेता, भाजपा के मंत्री। आगे भाजपा कार्यालय का घेराव करने तक हम यहाँ टिके रहेंगे, लेकिन इस पुलिस के दबाव में हम कोई दबाव महसूस नहीं करेंगे। हमारा कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय तक जाएगा और ये लगातार लगातार जिस प्रकार से हमारी आवाज को दबाने का काम ये भाजपा का राज कर रहा है, और नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी पड़ेगी, उनके मंत्रियों को माफी मांगनी पड़ेगी। नवगठित नेता जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ, हम ये नहीं सहेंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष है नवीन पुनिया वो कह रहे हैं, देख सकते हैं आप जो जिस प्रकार से देख रहे हो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को दबाने का काम कर रहे हैं। हम राहुल गांधी जी की आवाज है, देश के आम गरीब किसान की आवाज को राहुल जी ने हमेशा उठाने का काम किया। जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने दबाने का काम कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और हम उसके खिलाफ नवगठित नेता जिनको राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, तीन तीन बार सांसद बनाने का मौका दिया, हम उसके खिलाफ लगातार सड़कों पर रहेंगे जब तक वो माफी नहीं मांग लेते राहुल गांधी जी से। जब तक प्रधानमंत्री जो है माफी नहीं मांग लेते तब तक ऐसे ही जो है उग्र आंदोलन की जो चेतावनियां दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के अभिमन्यु पुनिया और विधायक वर्तमान में हनुमानगढ़ सांगरिया से विधायक हैं, तो तमाम जो है संघर्ष है वो इनका लगातार यह जारी है, पर जद्दोजहद यहां चल रही है।